बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम अलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, अपने अपने घरों में अल्लाह के पनाह में रहें। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिली कबाब। ये कबाब बहुत मज़े के, बहुत लजीज, चटपटे और बहुत अच्छे बनते हैं और बहुत मज़े के फटाफट बनने वाली रेसिपी। आए हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे बारीक मशीन का कीमा, फुल फैट आधा किलो, और लेंगे हम ये एक पाव प्याज चॉप करके, प्याज निकाल के तो ये लेंगे हम लोग। ये देखें, ये प्याज में बिल्कुल पानी नहीं है, और ये है 8-10 हरी मिर्चें। ये तीखे वाली हैं इसलिए इन कबाबों में ये मिर्चें ज़्यादा जाएंगी। और अब हम ये थोड़े से मसाले लेंगे। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हम लेंगे रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून लेंगे कसूरी मेथी, और 1 टेबलस्पून साबुत धनिया सूखा, और 1 टीस्पून हम लेंगे सफ़ेद ज़ीरा, और 1 टीस्पून लेंगे काली मिर्चें, और 1 टीस्पून ही लेंगे हम गरम मसाला पाउडर। इन सब मसालों को मिक्स करके पीस के बारीक पाउडर बना के तो हम इसे कीमे में मिक्स करेंगे और फिर हम कबाब शुरू करेंगे। सबसे पहले कीमे में प्याज और हरी मिर्चें डालें चॉप की हुई। इनमें प्याज में पानी नहीं होना चाहिए, मैं इसलिए आपको बार बार कह रही हूँ कि इसमें प्याजों में पानी नहीं रखिएगा। ये डाल के, और ये पीसा हुआ मसाला है, इसको डालें, और डाल के इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। हाथ से मसल के, अच्छी तरह मसल के इसको मुलायम करेंगे हम लोग। ये कीमा बहुत बारीक है, आप भी बारीक कीमा लीजिएगा। ये देखें, कीमा इतना बारीक है, बहुत बारीक कीमा है, और ये पकेगा भी झटपट। आप ये नहीं समझिएगा ये गलेगा नहीं जब हम इसे पकाएंगे, ये बहुत जल्दी पक जाएगा। बारीक कीमा और झटपट पकेगा। और ये हैं जर्मन मिर्चें, बड़े वाली जर्मन मिर्चें हैं। ये तीखी नहीं होती, फीकी होती हैं बिल्कुल ही, इनमें बिल्कुल मिर्चों वाला पन नहीं होता, लेकिन ये मिर्चें हैं, ग्रीन चिली हैं, ये बड़े बड़े वाली आजकल सीजन में है, इसलिए मैंने ये कबाब बनाए हैं। इसको अंदर से एक कट लगाएं, कट लगा के, और ये वाला जो कीमा हमने मिक्स किया है, तैयार किया है, इसमें भरें, भर के और अच्छी तरह खूब भरें, हर मिर्च में भरें। और अगर आप इसके बीज निकालना चाहती हैं तो निकाल दें, ना भी निकालेंगे तो ये कड़वापन नहीं देगा, और इनकी मिर्चों में बिल्कुल तीखापन नहीं होता है। तो ये ग्रीन मिर्च है लेकिन इसमें तीखापन नहीं है, बिल्कुल तैयार मैं कर चुकी हूँ सारी मिर्चें। और ये जो बाकी बचा है इसको मैं फिर फिल करूँगी। अब हम मैं लूँगी इसका एक बैटर के लिए 1 बाउल में 1 अंडा और 1/4 कप पानी, नॉर्मल पानी है ये टैप का, ना ठंडा ना गर्म, कुछ नहीं लेना, सादा पानी। 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून लाल मिर्चें पाउडर, लाल मिर्चें लूँगी। अगर इस स्टेज पे आप चिली फ्लेक डालना चाहती हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। और ये है 1 कप मैदा, इसको हम आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, हो सकता है ये बच भी जाए क्योंकि हम बैटर की और देख लेंगे ये कितना गाढ़ा है, जितना हमें चाहिए उतना हम डालेंगे। लेकिन अगर आपका लार्ज साइज़ अंडा होगा तो आपका 1 कप भी लग सकता है। ये मीडियम साइज़ का अंडा था इसलिए मैंने ना 1 कप मैदा लिया है, तो देखूंगी अगर इसमें अगर कमी पेशी हुई तो मैं मैदा बचा भी सकती हूँ, लेकिन ये मेरा पूरा मैदा लग चुका है, 1 कप मैदा पूरा लगा, इसलिए मैं आपको पूरा बता रही हूँ। तो इसको अच्छी तरह फेंटें, फेंट के इसको बिल्कुल मुलायम करना बैटर को, और इसको चेक करें एक चम्मच के साथ, कोट करें, चम्मच में कोट आ जाए तो उंगली की मदद से देखें कि इसके अंदर गैप आ जा रहा है या नहीं। ये देखें, ये सेंटर में मैंने किया, ये बिल्कुल आपस में बैटर मिल नहीं रहा। अगर आपस में बैटर मिले तो ये आपका बैटर तैयार नहीं है, इसको मज़ीद फेंटें और फिर इसमें मिर्चें कोट करें, इस बैटर में कोटिंग लगा के मिर्चों में, तो आप इसको मीडियम हाई फ्लेम पे आप इसको फ्राई करें, और बहुत तेज़ घी का टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, ना ज़्यादा स्लो ना ज़्यादा हो, बस मीडियम रखें, और इसको हल्के हल्के फ्राई करें। जब आप इसको मिर्चों को कोट करके बैटर में तेल में डालेंगी तो चमचा नहीं हलाना, इनको छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। जब इसका बैटर थोड़ा सा बाहर से पकेगा, एक साइड पकेगा, तो फिर हम इसको टर्न करेंगे और इनको दोनों तरफ से गोल्डन करके हम इन मिर्चों को निकाल लेंगे। इनको ज़्यादा रेड कलर नहीं करना, गोल्डन ब्राउन करेंगे और निकाल लेंगे।
आप ये देखिएगा, ये बहुत मज़े की मिर्चियों चिली कबाब बनते हैं। आप इसको रोटी के साथ, नान के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप चाहें आप इसको खाली भी खा सकते हैं, अगर कोई पसंद करे तो, केचप के साथ कबाब की तरह, क्योंकि इसमें ये मिर्चें आपको लग रही हैं कि मिर्च है, ये खाली नहीं खाया जाएगा, ये खाली भी कबाब खाए जा सकते हैं। देखने में बहुत तीखे लगेंगे, जब आप रखेंगे प्लेटर में तो आपको लगेगा हाई चिली है, हम कैसे खाएंगे, लेकिन ये खाए जाएंगे, क्योंकि ये जर्मन मिर्चें हैं, ये कड़वी नहीं होती, इनमें तीखापन नहीं होता, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ, इनमें तीखापन नहीं है, ये बहुत लजीज बनती हैं। आप इनको ट्राई करें, देखें, खाएं और मुझे बताएं कि आपको ये मेरे चिली कबाब कैसे लगे। ये मेरी फैमिली को भी बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है। आप इसको बारबेक्यू सॉस, केचप और ग्रीन चटनी, आप जिसके साथ भी खाना पसंद करें, आप उसके साथ खाएंगे तो आपको बहुत मज़े के लगेंगे। आप इसको नान के साथ लीजिएगा, रोटी के साथ, अगर दाल चावल हैं तो आप उसके साथ भी ये ले सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने दूसरा बैच डाला है आपको दिखाने के लिए। आप मेरे रेसिपी ट्राई करते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके मुझे कमेंट करके बताया करें कि आपको ये सब कैसा लगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो नहीं देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब किया करें और मेरे हौसला अफजाई किया करें। आपकी हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।